एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि आप ये प्रोजेक्ट हमारे पास लेकर आए। जी शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आपने इस नाचीज के तोहफे को स्वीकार किया। मेरा मतलब है मेरे सुझाव को स्वीकार किया। वेल थैंक यू मिस्टर अंसारी, आप काफी अच्छे और नोन आर्किटेक्ट हैं, वो तो सब जानते ही हैं। काफी बिल्डर से आपका मिलना जुलना होता रहता होगा, तो अगर कोई और अच्छा प्रोजेक्ट आपको लगे तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। एंड यस, नेक्स्ट टाइम आपको मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे फोन करके आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इजाजत लें। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू। वेलकम। सिकंदर भाई थैंक यू वेरी मच। आप एक बार शुक्रिया अदा करोगे। वैसे ये अंदर केबिन में क्या बकवास हो रही थी और वो क्या बेमतलब की कहावत टिका दी तुमने? यार मैं तो इतना बौखला गया था, इतना कंफ्यूज हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे मुझे बता यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे बॉस की तो काया पलट गई अचानक से, मतलब मौसम ही बदल गया। सब तुम्हारी बॉस हंस रही थी ना, मुस्कुरा रही थी, मैं तो चकराकर गिरने वाला था भाई। इजब के पिरामिड्स देखे? नहीं, पिक्चर तो देखी होगी। पिक्चर जरूर देखी है। मिस मैरा को आजकल देखकर लग रहा था जैसे कोई सीरियस किस्म का पिरामिड अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। सिकंदर भाई पार्टी, अब तो पार्टी चाहिए। हाँ हाँ करेंगे करेंगे जरूर करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, गुड इवनिंग मैम, इट्स फॉर यू, साइन प्लीज। थैंक यू मैम। थोड़ा सबर नसीरा, मुजफ्फर अबू आ गए, अबू आ गए।
देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। जी तेरा खुदा करे तुम्हारी उम्र दराज हो, सबको इसी तरह मीठा खिलाते रहो, नमकीन खिलाते रहो, दूधो ना पूतो फलो। जनाब आपने तो बिल्कुल बुजुर्गों वाली लंबी लंबी दुआएं दे डाली। मैंने तो तुम्हारी भी सारी दुआएं दे डाली। वैसे तुम्हें मालूम कैसे पड़ा कि मैं आने वाला हूँ? वो कहते ना कि इंसान जब बहुत खुश होता है तो उसे भूख बहुत लगती है, तो बस मेरा भी यही हाल है। हाँ लेकिन आपकी खुशी की वजह क्या है ये नहीं बताएंगे? ये बताएंगे ना, यानी कि मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। खुश तो मैं हूँ लेकिन उसकी वजह आपके मियाँ सिकंदर है। मेरी सैंडविच। बेटा मैं आपके लिए दूसरी बना दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा ये वाला लो ना सैंडविच, ये लो ना मेरे लिए, बना देना, मेरा इसमें पेट थोड़ी भरेगा। ठीक है और बना देती हूँ। अच्छा रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो। सिकंदर भाई खुशखबरी सुनाओ। ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, बस वो मोहसिन हमारे ऑफिस में एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आए थे और। अरे तो इसमें खास बात क्या नहीं है यार, तुम बहुत ठंडा ठंडा बताते हो कसम से। मैं बताता हूँ, वो सिकंदर की बॉस थी मिस मेरा, उन्होंने सिकंदर के कहने पर मेरा करोड़ों रुपए का फायदा करा दिया। कह के एक प्रोजेक्ट बंद था बहुत दिनों से, बस इन्होंने इशारा किया और प्रोजेक्ट पास हो गया। मुबारक हो मोहसिन। अरे तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? मैंने खबर पूरे शहर में फैल गई है। नहीं मैंने सुरैया को फोन करके बताया था। अच्छा आओ सुरैया बैठो बैठो। बेटा लो सैंडविच। यार तुम बहुत पहुंची चीजें मुझे आज मालूम। हसीना तुम्हें पता है सिकंदर ने पता नहीं ऐसे क्या जादू कर दिया मिस मेहरा पे कि उनका बर्ताव बिल्कुल ही बदल गया। मतलब जो इंसान सीधे मुंह बात नहीं करता था वो मुझसे ऐसे बात करे जैसे मैं कोई कोई VIP हूं। सिकंदर आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो इस सिलसिले में मैं पार्टी थ्रो करता हूँ मेरी तरफ से, क्या क्या ख्याल है? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ पार्टी जरूर होगी और तुम ही पार्टी दोगे, लेकिन बाहर नहीं यहाँ घर पे कर लेते यार। हाँ क्यों क्यों, मिस मेहरा को इनवाइट नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, इस वक्त तो वो ही हमारी माई बाप है। नहीं हम श्रेया को इनवाइट नहीं करेंगे। तो आप खुद श्रेया को फोन करके क्यों नहीं इनवाइट कर लेते? ओके। मम्मी 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 अंकल को मेरा काट दिया। फिर अंकल ने क्या कहा? अरे लो मैं तो भूल ही गई, एक मिनट, अंकल ने आपके लिए भी एक कार्ड दिया। ये है। थैंक यू। क्या लिखा है अंकल ने? लिखा है मेरी प्यारी बेटी थैंक्स एंड किसेस। वाओ। हेलो। हाँ एक मिनट श्रेया, मुजफ्फर का फोन है। मम्मी उसका नाम बहुत मुश्किल है, मैं उसे पैर से मोजा बुलाओ। ओके जो भी बुलाना है बुलाओ, लेकिन बात तो करो। हेलो मोजा, मेरा नाम मुजफ्फर है पर मुझे यही नाम अच्छा लग रहा है। मोजा मोजा ठीक है, तो तुम मोजा बुलाओ। पता है हमारे घर पे पार्टी है, अब्बू प्रीति आंटी को इनवाइट करने वाले हैं, तुम भी आओगी ना? जा मम्मी जाएगी, मैं उसके पीछे जाऊंगी। ओके ओके डन बाय।
रही है कि आदिल को भी पार्टी में बुला ले। क्या करना है? बुला ले उसे।